वेलकम टू जरूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, और सुबह उठते ही सर ने फरमाइश कर दी कि आज मुझे आप लंच में फ़्राइज़ देंगी। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, फ़्राइज़ बनने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर केचप और मायोनीज़ सर को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ़्राइज़ के साथ, तो बस वही निकाल रही थी। उसके बाद जी यहाँ पर जेर का लंच वगैरह मैंने रेडी कर दिया, और गर्मियों के आलू तो बहुत ही ज़्यादा मीठे आ रहे हैं आजकल, तो मुझे तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे, इवन के सालन में भी अच्छे नहीं लग रहे। पर बच्चों का क्या है, बच्चों को तो हर चीज़ अपने दिल के मुताबिक चाहिए होती है। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही थी, जैसे इतना ज़्यादा मीठा फील ना हो उसे। उसके बाद जी बस जेर का बैग वगैरह पैक कर दिया, और जेर ऑलरेडी तैयार थी, बस उसकी वैन भी आ गई थी, तो वो मैं खैर से चली गई अपने स्कूल। उसके बाद जी ये मैडम भी उठ जाती है, जैसे कि आप सबको पता है सुबह सुबह, तो इसने भी कहा कि मुझे फ़्राइज़ दे। मैंने बहुत फोर्स किया कि बिस्किट खा लें, दूध पी लें, तो नहीं, इसने देख लिया कि फ़्राइज़ बने हुए हैं, तो मैं भी फ़्राइज़ ही खाऊँगी। बस जी मैंने यहाँ पर बू को फ़्राइज़ देके बिठा दिया था, क्योंकि वो उसमें बिज़ी हो जाएगी और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, और मैं आराम से अपनी तलावत कर लूँगी। वैसे तो सारा दिन बच्चों के पीछे घर के कामों में मसरूफ़ रहता है बंदा, पर करने पे आए तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो इंसान ना कर सके। तो यहाँ पर बस सुबह सुबह तलावत कर लेती हूँ, जैसे सारा दिन सुकून से गुजर जाए। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े वगैरह पर रही थी जो मुझे सारे ये जी मुझे फ़ोल्ड करने थे, ये एक दिन पहले के वॉश किए हुए कपड़े थे, एक दिन तो आराम से इनको सूखने में लग जाता है। और यहाँ पर जी बड़ों के कपड़े वॉश हो रहे थे, तो यहाँ पर मासी कपड़े वॉश कर रही थी। बस थोड़ा बहुत लुक आफ्टर करना पड़ता है, जैसे सही सही काम हो जाए, क्योंकि मासियों का तो ऐसे होता है अगर छोड़ दो तो जल्दी में करके चली जाती हैं, और सही होता भी नहीं है काम। तो उसके बाद जी यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और मैंने नाश्ते के लिए यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि दोपहर में क्या बनेगा, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, बन तो बिल्कुल मिनटों में जाता है बट सोचने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर बस जी मैंने कढ़ी का मिक्सर वगैरह रेडी करके रख दिया था, और मैंने कहा जब तक ये पकता रहे तो मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। तो मुझे खाने में और कुछ मूड हो ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय बिस्किट ही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन वगैरह भी खोल के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और फ्री होके यहाँ पर पू के साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, क्योंकि जेर स्कूल गई हुई थी तो ये घर में बोर हो जाती है, तो बस मुझे मज़ा नहीं आता कि ये चुप चुप घूम रही है, तो इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती हूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ देखे मेरी कढ़ी भी बिल्कुल ही रेडी हो गई थी, और यहाँ पर मैंने बेसन फिर से निकाल दिया था, और यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि पकौड़े बनाने थे कढ़ी के लिए। और जी बस उसके बाद मेरे सारे पकौड़े वगैरह भी रेडी हो गए थे, और यहाँ पर जी मैंने कढ़ी में भी ऐड कर दिए थे, और ये झटपट से मेरा खाना भी रेडी हो गया था। उसके बाद जी बच्चों को खाना वाना खिलाया, ख़ुद भी खाना खाया, एंड देन यहाँ पर मैंने शाम के क्लिप्स ऐड कर दिए थे। जैसे ही आपको मैंने बताया था कि मंथ के स्टार्ट में कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे करने से सारा मंथ इजीली गुजर जाता है, तो यहाँ पर जी मेरे पास वेजिटेबल्स वगैरह थी, यहाँ पर अदरक लहसुन था तो उसका पेस्ट बनाना था मुझे, और यहाँ पर जी मेरे पास धनिया था, पुदीना था, ये बिल्कुल ही साफ़ करके मैं एक बाउल्स में भर के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार निकालना और कट करना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है, और जैसे कि टाइम भी सेव हो जाए, हमारा किचन में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, और सारे काम प्रॉपर हो भी जाए जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर जी मैंने सारा जो पुदीना तो वो बिल्कुल ही साफ़ करके अलग कर दिया था। उसके बाद जी इसके मैं क्यूब्स बना दूँगी, सारा का सारा ऐसे भी नहीं रखूँगी, क्योंकि पुदीना तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो क्यूब्स मैंने पहले आपसे भी रेसिपी शेयर कर दी थी, कभी रायते में डल जाते हैं, कभी किसी चटनी में डालने के काम आ जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रहते हैं। तो बस ये मैं हमेशा हर मंथ के स्टार्ट में बना के फ्रिज कर देती हूँ, और जब जब मुझे यूज़ करने होते हैं तो बस यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने धनिया बिल्कुल साफ़ कर दिया था। उसके बाद जी यहाँ पर जो मुझे क्यूब्स बनाने थे उसके लिए मैंने रफली चॉप कर लिया था और उसमें डाल दिया था, और जो मैं दूसरे सालन वगैरह में ऐड करती हूँ धनिया, तो वो बिल्कुल मैं फाइनली चॉप कर लिया था। उसके बाद जी मैंने एक एयर टाइट बाउल लिया था और उसमें एक टिशू लगाया, और उसमें मैंने ये सारे धनिया वगैरह डाल दिए थे, और उसके ऊपर भी मैं एक टिशू लगा के फिर एयर टाइट बाउल को अच्छे से बंद करके रख दूँगी। ये काफ़ी टाइम के लिए जल भी जाते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर में जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं अच्छे से टिशू डाल के और
जैसे कि लॉक करते हैं ना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चर लॉक कर दिया था और बस मैंने फ्रिज में रख दिए थे और ये माशाल्लाह से बहुत दिन इजीली चल जाएंगे। और यहाँ जी मुझे जो क्यूब्स बनाने थे उसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया पुदीना अलग कर दिया था, वो मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर ली, अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद ये जो क्यूब्स मैं बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और टाइम सेवर भी होते हैं, तो आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और वहाँ पर जी मैंने दाल भी भिगो के रख दी थी, जब तक मेरा गोश्त गलेगा तो दाल भी मेरी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ जी देखें मेरा मिक्सचर हो गया था रेडी, इस मिक्सचर में मैंने डाला था धनिया पुदीना 4-5 हरी मिर्चें, उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। और ये देखिए जी झटपट से मेरे क्यूब्स हो गए थे रेडी, मेरे पास कुछ ऑलरेडी पड़े हुए थे एक ट्रे और नेक्स्ट ट्रे मैंने आज बना ली थी, तो ये माशाल्लाह से मेरा फुल मंथ चल जाता है। यहाँ तो 20 डेज तो ईजिली चल जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते रहता, तो कभी कभी बिरयानी के साथ बनता है या चाट, तो ऑलमोस्ट ये सारा मंथ ही मेरा चल जाता है। उसके बाद जी यहाँ पर मेरा गोश्त भी गल गया था तो बस मैंने उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद जी मैंने दाल तो ऑलरेडी वॉश करके भिगोई हुई थी तो यहाँ पर मैंने दाल भी ऐड कर दी थी और यहाँ इसे पक चूल्हे पर रख दी थी, जब तक ये मेरा मिक्सचर रेडी होगा शामी का तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अदरक छीलनी थी, लहसुन, तो यहाँ पर जी हो गई थी डन, तो मैंने सारी ये अदरक लहसुन भी साफ़ कर ली थी। उसके बाद जी मैंने इसी का पेस्ट बना लिया था और आपको सबको ही पता होगा कि अदरक लहसुन के पेस्ट में ऑयल ऐड करना होता है क्योंकि उससे उसका कलर चेंज नहीं होता, अदरवाइज़ नहीं तो वो ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर जी मेरा मिक्सचर लहसुन अदरक का भी रेडी था, वो भी मैंने फ्रीज कर दिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मेरा शामी का मसाला भी बिल्कुल रेडी हो गया था और उसके लिए ये सारे जो जो इसमें सामान चाहते हैं मैंने कट करके पहले ही रख दिए थे, प्याज, हरी मिर्चें और पुदीना, हरा धनिया और ये सारी जो चीज़ें थी ये मैं इसमें ऐड कर रही थी। उसके बाद जी इसमें मैंने एक अंडा भी ऐड कर दिया था और अच्छे से इसको मिक्स करके रख दिया था क्योंकि बस अब जस्ट इसको शेप देना था, तो मैंने सोचा कि चाय वगैरह पी लूँ क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई थी तो मैं यहाँ पर चाय लेके आकर बैठ गई थी क्योंकि सारे काम कंटिन्यूसली करते जाओ तो थकावट हो जाती है और शाम का टाइम हो तो चाय की तो ज़्यादा ही नीड हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ने भी लंच अच्छे से नहीं किया था तो मैंने उनको भी चाय बिस्कुट दे दिए थे खाने के लिए। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।